सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाओं एवं प्यारी बालिकाओं, आज आप लोगों को थोड़ा अटपटा सा लगता होगा, ये सफ़ेद कपड़ा पहनकर हम लोगों के सामने किसे बिठा दिया गया है और क्या बोलने वाले हैं। सबके मन में कुतूहल होगा कि आखिर में कोई क्या चीज़ बताने के लिए आ गए हैं ये। मैं आप लोगों को कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा। यहाँ आप सभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? कोई भी काम हम सब करते हैं तो किसी उद्देश्य को लेकर करते हैं। जब हम कहीं जाना चाहते हैं तो जाने के पहले हमारा मंजिल तय होता है, लक्ष्य तय होता है, और बिना जाने चल दिए तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। चलने के पहले जान लो पहुंचना कहाँ है। और कहाँ पहुंचना है इसको तय करना आपको ही है, आपको है। जैसे रेलवे स्टेशन आप गए, टिकट काउंटर की जो खिड़की है वहाँ पैसा लेकर के आपने हाथ डाला और आपने कहा बाबूजी एक टिकट दे दो। फिर अंदर वाला क्या पूछेगा, कहाँ का टिकट दे दूँ? आपने कहा कहीं का भी दे दो। फिर कहाँ का टिकट मिलेगा? कहीं का भी नहीं मिलेगा। तो फिर कहाँ जाना है ये आप तय करेंगे। ऐसे ही आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इस संबंध में खुल करके बातें नहीं होती है, क्योंकि परंपरा ये हम जानते हैं कि पढ़ना चाहिए। घर वालों के भी मन में होता है बच्चे की स्कूल भेजना है। सामाजिक और सरकारी व्यवस्था भी होती है, बच्चों को शिक्षित करो, किसी भाषा किसी लिपि का ज्ञान कराओ, कुछ विषयों का ज्ञान हो, इतना होता है। और ये सारी चीज़ें क्यों कराई जाती हैं? तो यदि जानो पूछो बच्चों से, मैंने तो कई बच्चों से पूछा है इस विषय पर क्यों पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, ज्ञान पाने के लिए। शायद आप लोगों के मन में होगा, मैंने उन बच्चों से पूछा अच्छा कौन सा ज्ञान पाना चाहते हो, तो हम मौन हो जाते हैं। कुछ कहते हैं आगे बढ़ने के लिए। अच्छा मैं किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बातें फिर वही मौन हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे सब प्रायः कहना चाहिए एक उद्देश्य क्या होता है, घर वालों का भी उद्देश्य क्या होता है, बच्चे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों। और जब अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बड़ी जगह पर बड़े पद पर पहुंच जाएंगे तो बड़ी तनख्वाह होगी, पैसे ज़्यादा मिलेंगे इसी के लिए तो। और ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब क्या होगा, एक बड़ा सा मकान बन जाएगा, बड़ी सी गाड़ी हो जाएगी, आपके कपड़े कीमती हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें भी स्टैंडर्ड की हो जाएंगी, बैंक बैलेंस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इतना हो जाने से आप मानेंगे आपके जीवन की पूर्णता है?
बहुत ऐसे लोग हैं इन सब चीज़ों को पा चुके हैं, क्या आप कह सकते हैं उनका जीवन सफल है? शायद कई लोगों को देखकर लगेगा वे सब तो बहुत दुखी इंसान हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं, शिकायत से भरे हुए हैं। कई ऐसे होंगे जो तो नींद की गोली खाएंगे तभी वो सो पाते हैं। कई तो होंगे जो अपनों के साथ ही मुकदमा चलता होगा, कैसे सफल कहेंगे? धन की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सफल नहीं कह सकते। इसलिए ये समझ लें कि हम शिक्षा तो चाहिए ही, क्यों थोड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। शिक्षा का मुख्य रूप से दो उद्देश्य होना चाहिए, एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए और दूसरा है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा हम स्कूल और कॉलेज में जाकर तो पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कैसे जीना है ये शिक्षा बहुत कम लोग दे पाते हैं और बच्चे पाते कम हैं। स्कूल में भी जब बच्चे आते हैं तो शिक्षकों का भी उद्देश्य क्या होता है, हम सिलेबस कंप्लीट करा दें। उन लोगों के लिए दबाव भी रहता है कि आप इतने समय तक के सिलेबस कंप्लीट करा दें। बहुत सारे ऑफिशियल वर्क भी होते हैं जो हो, लेकिन आप केवल सिलेबस कंप्लीट न कराइए। और जब इस प्रकार जब मैं भारत के विभिन्न प्रांतों में जाता हूँ और जहाँ शिक्षक लोग मिलते हैं, उन लोगों से कभी चर्चा होती है तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप केवल सिलेबस कंप्लीट न कराइए, आपको जो पढ़ाने का समय मिलता है उसी में से कुछ समय निकालकर सप्ताह में, 15 दिन में, महीना दिन में कुछ समय निकालें और बच्चों को जीवन का पाठ भी पढ़ाएं। और मैं अपने अनुभव से जानता हूं, केवल सिलेबस कंप्लीट कराने वाले शिक्षक को बच्चे प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन जो जीवन का पाठ पढ़ाते हैं बच्चे जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे जीना है ये सीख लें। मैंने कहा ना अभी, आप पढ़ लिख लेंगे, हो सकता है कि आपको अच्छी नौकरी मिल गई या फिर आप में ये शक्ति आ गई, एक योग्यता आ गई कि आप बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन यदि जीने का ढंग नहीं है तो उसी पैसे से आप अपना नुकसान भी करेंगे। और देख भी रहे हैं बहुत लोगों को, पैसा तो है लेकिन वह पैसा उसके उत्थान के लिए नहीं, उसके पतन के लिए हो रहा है। क्यों? समझ नहीं है। सही समझ के अभाव में उसके लिए जो वरदान होना चाहिए वह अभिशाप हो गया है। हमारी शिक्षा भी हमारे लिए वरदान बने न कि अभिशाप बने। आप जानते हैं जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, और ज़्यादातर यदि देखें जंगलों में आदिवासी जिन्हें कहते हैं, अभी भी ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ विकास नहीं है, बहुत ही पुराने ढंग से जीते हैं। ऐसे लोगों के बीच जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ छल कपट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, ईर्ष्या द्वेष को लेकर के लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात क्या देखेंगे, उन लोगों में बीमारियां भी कम हैं आप देखें, क्योंकि वे बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हैं और प्राकृतिक जीवन जीते हैं। और पढ़े लिखे लोग आप देख लीजिए चारों तरफ तो फैले हुए हैं,
उन लोगों के पास नए नए तरीके हैं लोगों को छल कपट करने का, धोखा देने का, हड़पने का, बहुत सारे। और कई बार तो आप ये भी देखेंगे जिनके पास जितना धन है उसको और ज़्यादा भूख लगती है। भूख का मतलब और धन की आवश्यकता होती है, और चाहिए और चाहिए। आखिर बड़े बड़े जो गबन होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फ्रॉड काम करते हैं, कई बार आप नेताओं के विषय में सुनेंगे, कई बार और बड़ी बड़ी कंपनियों के विषय में सुनेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों को सुनेंगे, क्या करते हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे, रहने की जगह नहीं है, लेकिन पूर्णता महसूस नहीं है। पेट भरने के लिए थोड़ा चाहिए और पेटी भरने के लिए बहुत भी कम हो जाता है, बहुत भी कम हो जाता है। ये जो शक्ति आई हम में, ये समझ आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो आप सुखी नहीं होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आप पैसे खूब कमाएं, इसकी कोई कमी ना हो, आपका बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, खूब पैसे हों, और आप हज़ारों को नौकरी दें, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करें, बड़ी कंपनी चलाएं, लेकिन आपका जीवन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप स्वयं भी सुखी रहें और आपके संपर्क में आए उनको भी सही एहसास हो, आनंद का एहसास हो, आपके साथ रहना लोग चाहें, आपके साथ बात करना चाहें, आपके साथ समय बिताना चाहें। ये कब होगा? जब आप में कुछ अलग से गुण होंगे, कुछ अलग होंगे। और कई बार मैं ये बात कहा करता हूँ, जैसे मेरे पास एक घड़ी है, आप लोगों के पास भी घड़ी होगी, मोबाइल होगा, या बहुत कुछ भी गैजेट्स हैं, या कोई भी और चीज़ें होती हैं। कंपनी वाले जब इन सब चीज़ों की क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार आप जब अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो आपकी भी मांग बढ़ जाएगी। ये ध्यान दो, क्वालिटी वाला जीवन जीना। क्वालिटी का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और गुण का मतलब यहाँ पर है मेरे अच्छे गुणों के लिए। देखो, क्रोध करना भी किसी आदमी की क्वालिटी है, लेकिन क्रोध जो करता है वे हमें अच्छे नहीं लगते, कटु बोलने वाले अच्छे नहीं लगते, जो हर समय उदास और खिन्न रहता है, मुंह लटकाए रखता है, मुंह फुलाए रखता है, ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। और जो हमें हर बार हमारी आलोचना करे, हमारी बुराई करे, हमारी निंदा करे, ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। हम उनके साथ रहना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के बीच हमको अच्छे लगते हैं, ऐसे पसंद आता है जो हमें अच्छा महसूस कराए। तो फिर वो क्वालिटी क्या है? हर जगह विनम्रता का महत्व है, सहनशीलता का ही महत्व है, धैर्य का महत्व है, दूसरे के गुणों को, दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देना और अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। और गलती हो गई और अपनी गलती को सही सिद्ध करने में लगे हों और झूठ पर झूठ बोलते हों, लोग पसंद नहीं करते हैं। अब ये कहाँ से आएगी? क्या इनके बारे में बताई जा रही है? देखिए, हमारे पास जो संसाधन है, जो भी हमें प्राप्त है, उसका हम सही उपयोग करना सीख जाएं, बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। और ये प्रारंभ से यदि ये बात समझ में आ जाए तो फिर फाउंडेशन सही होना चाहिए ना। कोई भी मकान बने, आप लोग जानते होंगे, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है नींव उतनी ही गहरी होती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक जाना है, इसलिए फाउंडेशन नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। आप लोग तो अभी अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं जीवन का, अभी तो नींव है ये,
कितनी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, यदि आप शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी नींव मजबूत बनानी होगी। पेड़ जितने बड़े होते हैं जड़ उतनी ही गहरी होती है, क्योंकि नीचे से उसको पकड़ होनी चाहिए और पोषण भी मिलना चाहिए। इसलिए क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका फाउंडेशन सही हो, गुणों वाला हो। वो तीन चीजें मैं यही कह रहा था, वो जो चीजें हमारे पास है उसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। होता क्या है, मैं विद्यालय में हूँ इसलिए ये बातें ख्याल आती हैं कि आजकल पढ़ाई, बहुत सारे विषयों की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई होती है जो आगे चल करके हम लोगों को जीवन में जिसका उपयोग ही नहीं होता है। आप भी जानते होंगे इस समय भी जो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आगे चल करके आपके व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल काम के लायक नहीं है वो। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या उन विषयों का ज्ञान न दिया जाए, दिया जाए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है उसको बिल्कुल अछूता रहना, ये फिर जीवन को, आप देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों मिलकर के पूरे होते हैं, ऐसे ही ये भी सीखना पड़ेगा ये भी। और ये जब देखो, अभी मैं परसों ही तो तिल्दा में था, तिल्दा नेहरा में, तो एक विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर में इसी प्रकार से मुझे बोलना हुआ था, और यहाँ तो केवल छात्राएं हैं, वहाँ छात्र भी थे जैसे आप सब बैठे हैं वैसे ही वहाँ। तो मैंने एक संस्मरण के साथ शुरुआत की थी। हुआ यह था कि मैं जिस आश्रम में रहता हूँ, सूरत कबीर आश्रम में, वहीं पर नज़दीक में एक शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर, तो बच्चे बड़े हो गए पढ़ते हैं, तो वहाँ के प्राचार्य एक बार अपने बच्चों को, कुछ बच्चों को लेकर के आश्रम आ गए। मैं अपने कक्ष में बैठे पढ़ रहा था और सूचना मिली कि बच्चे आए हुए हैं, उनके लिए कुछ कह दें। मैं बाहर आया, बैठा, बच्चे भी जैसे दरी बिछी थी बैठ गए, छात्र छात्राएं, प्राचार्य और एक दो शिक्षक पीछे बैठ गए। मैंने शुरुआत यूं ही की, अच्छा बच्चों ये बताओ आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, जैसे प्रायः पूछा जाता है ना, आप लोग मुझसे भी पूछते होंगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं। तो पहले तो संकोच किए बोलने में, फिर मैंने थोड़ा से साहस दिया कि बोलो कोई बात नहीं है। तो कुछ बच्चे बोलने लगे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा मैं इंजीनियर होना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं प्रोफेसर होना चाहता हूँ, किसी ने व्यापारी, ऐसे ही लड़कियाँ भी थी वही भी बोली। मैंने कहा ये अच्छा लगा कि आप सभी पढ़कर पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं ये पता चला, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है, शायद वो प्रश्न आप लोगों के लिए भी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। तो जैसे आप लोग मौन है, एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई हाथ उठा रहे नहीं उठा रही है, वो उठाए तो मैं भी उठा दूं, शायद वहां भी यही स्थिति रही होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो बनना चाहते हैं हो सकता है ना बन पाओ, आप ही लोग अभी मन में सपना होगा ना, हम ये बने वो बने, यह जरूरी नहीं है कि जो आप बनना चाहती हैं वे बन ही जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है ना, अभी किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो, वहाँ तो दोनों थे, लड़के लड़कियाँ दोनों थी, इसलिए मैंने कहा किसी न किसी माता पिता के बच्चे हैं। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगी, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगी, क्या इसकी भी शिक्षा हो रही है माता पिता के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, परिचितों के साथ, अपरिचितों के साथ, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसा ढंग है हमारा। आपके जीवन में जो कुछ आप करते हैं उसी से आपका परीक्षण होता है। हर समय डिग्री काम नहीं आती है, हमेशा ध्यान रखो, हर समय डिग्री काम नहीं आती है, साथ साथ में आपका जीवन में जो आपने सीखा आज तक के
जो आपने ग्रहण किया, जो आपने आप जो आपने अपनी आदत बनाई, वो आपके लिए काम आने वाली हैं। और वो चाहिए आपको, अच्छी आदतों का निर्माण करना है, ये ध्यान दो, अच्छी आदतों का निर्माण करना है, और वो हर समय काम आने वाली चीज है, हर समय, हर समय। आप पढ़ाई में हो, पढ़ाई छोड़कर कहीं भी रहें, अभी तो आप माता पिता के पास हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद कहीं और रहने लग जाएंगे, कहीं और रहने लग जाएंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो सब जगह उपयोगी है। और मैंने कहा ना, शुरू से सीख लें उस चीज़ को, शुरू से, तो मजबूत होगा। अच्छी आदतों का निर्माण करो। कहा जाता है, पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। ये सूत्र याद रखो, पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। यदि आपने शुरू से अच्छी आदतें बना ली हैं, वो आपके व्यक्तित्व को निर्मित करेंगे, अच्छा व्यक्तित्व। और आपकी आदत गलत है तो क्या होगा, गलत व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा। और आदतें बनती कैसी हैं, किसी काम को जब इच्छा पूर्वक बार बार करते हैं। देखो, झूठ बोलना भी एक आदत है, सत्य बोलना भी एक आदत है। किसी काम को आप जो करते हैं ना, एक आदत के अनुरूप करते हैं, बहुत सारे काम सीखते हैं। तो क्या करना है, ऐसा कुछ करो कि आपका जीवन सुंदर की ओर बनता चला जाए, सुंदर बनता चला जाए। आपके जो शब्द निकले, जो आपके द्वारा व्यवहार हो, वो सचमुच आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा लगे। और इसीलिए मैं अभी कह रहा था ना, जो आपको मिला है उसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। सही उपयोग वो क्या है, अभी से आप इस चीज पर ध्यान देंगे तो, एक है आपका मन, दूसरा है आपकी वाणी, और तीसरा है आपका काम करने का, काम करने के लिए जो इंद्रियां मिली है, हाथ पैर इत्यादि, वे, इसका सही उपयोग करना सीख जाओ। बस सही उपयोग, जैसे मैं इसके बारे में भी कहा करता हूँ कि आपके पास ये हाथ है, अब इसको कैसा उपयोग करना है आप ही को निर्णय करना है। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं, जैसे मेरे पास दो हाथ हैं, आपके पास भी दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों का उपयोग कैसे करना है। मैं किसी के सामने जा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकता हूँ, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसे मैं वो चीज़ दे सकता हूँ, किसी को शारीरिक सेवा, कोई बीमार है, सेवा भी कर सकता हूँ। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इन्हीं हाथों से मैं किसी को थप्पड़ मार सकता हूँ, किसी के सामान को चुरा सकता हूँ। हाथ है ना, अब देखिए दोनों में अंतर क्या आ जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। हाथ जोड़कर प्रणाम करने का रिजल्ट अलग होगा और थप्पड़ मारने का रिजल्ट अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। हुआ क्या फिर, वहां से ये चुनाव किसने किया, आप ही तो किए। अब उसका सही उपयोग क्या है आप समझ लीजिए, गलत उपयोग क्या है आप समझ लीजिए इस चीज को। ये सही उपयोग है, ये गलत उपयोग है। मैंने क्या कहा, जो आपको मिला उसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। आपके पास में बोलने की क्षमता है, आप बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं। अब बोलते कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही शब्दों का उच्चारण करें, आपके मुंह से गलत शब्द न निकले, कटु न निकले, अश्लील न निकले। गलत निकलने पर, मैंने कहा था ना अभी, गलत बोलने वालों को हम पसंद नहीं करते हैं, आपको भी पसंद नहीं किए जाएंगे। आप जब कटु बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, आपको पसंद नहीं किए जाएंगे। अभी से आदत बना लो इस चीज को, अभी से मीठा बोलने की आदत, धीरे बोलने की आदत, कम बोलने की आदत, ऐसे लोगों को पसंद किए जाते हैं। ये पंक्ति सुने होंगे कबीर की, वाणी ऐसी बोलिए मन का आफा होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये पंक्ति केवल याद करने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए। जैसे मैं बताऊं कैसे आप इसमें अलग अलग कर सकते हैं। एक आदमी है, उसे आप कहते हैं कैसे वाणी का उच्चारण करते हैं, आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप कह सकते हैं
आप भले इंसान है। क्या कहा? वही तो शब्द है ना, एक से आप कहते हैं आप बड़े बेवकूफ आदमी हैं, फिर दूसरे ने कहा कि नहीं आप बहुत भले इंसान हैं। समय और शक्ति उतनी ही लगे, जितनी देर आप किसी को बेवकूफ करने में समय लगाते हैं, जितनी शक्ति लगाते हैं, उतने ही समय और शक्ति में किसी को आप भले इंसान हैं ऐसा कह सकते हैं। लेकिन होगा क्या? होता यही है कि रिजल्ट अलग अलग हो जाते हैं, परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए शब्द बोलते समय बहुत सावधानी बरतो, बहुत सावधानी बरतो कि आपके मुंह से गलत शब्द न निकले। दूसरी बात, तीसरी बात है, आप जो सोचते हैं, आप जो सोचते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक लेखिका हुई हैं, अमेरिकन लेखिका हैं, अब पता नहीं उनका इस समय शरीर है कि नहीं, होगी तो 90 साल से कम की नहीं होगी, 90 सुपर की होंगी वो, लुइस एल हे। उनकी कई पुस्तकें मैंने पढ़ी, एक पुस्तक है उनकी यू कैन हील योर लाइफ, आप चाहें तो पढ़ सकती हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और उसकी एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी है, यू आप कभी सर्च करके देख सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ, आप उसे देख सकती हैं। बहरहाल मैं क्या बताना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि उसमें एक बात लिखी गई है, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती हैं। आप सभी जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ये बात आती है, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ाइयों की तिथियों को रटने से बच्चों का क्या फ़ायदा होने वाला है। उन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि आपके विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और आप अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। आप अपने विचारों को बदलें और आपका जीवन बदल जाएगा, अर्थात अच्छा सोचें, सही सोचें आप। और सही सोचने का क्या मतलब है? आप अपने लक्ष्य के लिए सोचें, लक्ष्य के लिए सोचें। मैंने शुरू में कहा था ना, कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं आप, बिना लक्ष्य का निर्धारण हुए आप सही दिशा में नहीं चल सकते। और एक छोटे छोटे लक्ष्य कैसे बनाना है आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं बोर्ड है, 12वीं बोर्ड है, 9 में भी तो परीक्षा होती ही है, तो आपको अभी से तय कर लेना है कि मुझे इसमें कितने नंबर चाहिए, कितने परसेंटेज का मार्क्स आना चाहिए। अच्छा, तय नहीं करोगे तो क्या होगा? जो मिल जाए। मैं एक उदाहरण बताऊँ, एक बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, और एडमिशन लेते समय क्या कह रहा है, मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं। एडमिशन लेते समय क्या संकल्प ले रहा है, मेरा नंबर टॉप 10 में आए, या मैं मेरिट में मेरा पहला नंबर आना चाहिए, एक। और दूसरा एडमिशन ले रहा है, वो क्या सोच रहा है, बस ऐसा पढ़ूं कि फेल ना हूं, बस फेल ना हूं। आपको क्या लगता है, दोनों के पढ़ाई करने के तरीके में अंतर होंगे, टाइम टेबल में अंतर होगा? पहले ही दिन उसने क्या सोच लिया है, मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, सही है कि नहीं है? अब वो क्या करेगा, वो जो लक्ष्य बनाया है ना, वो उसको धकाएगा, खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि उसने निर्णय लिया है, निर्णय लिया है तो ये करना, फिर उसका टाइम टेबल भी वैसा ही होगा, शुरू से ही वो अपनी तैयारी शुरू कर देगा, शुरू से। और जो ये सोच रहा है बस फेल ना हो, तो क्या होगा, बहुत दिन तक तो यूं ही समय बिता देगा, और एग्जाम का समय होगा तो हड़बड़ाएगा, कुछ पढ़ेगा, ये काम नहीं करने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं 90+, तो क्या करना है, मान लो आप चाहते हैं मुझे 95 आना चाहिए। बहुत लोग सोचता है भाई ये तो मैं नहीं सोच सकती हूँ, सोचना होगा जितना चाहते हैं। आपको क्या करना है, जहां आप पढ़ाई करती, रीडिंग रूम है जहां आपका रोज कक्षा है, वहां पर एक बड़े से कागज में लिख करके क्या लिखना है, जितना आप चाहते हैं, 95 जितना, या 96, 90, जो भी आप चाहते हैं लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में और चिपका दीजिए उसको, समझ गए ना। और जब आप बैठे तो दिखे क्या करें, 95,
मुझे कितना पढ़ना है, फिर इसके लिए कितने गपबाजी करनी है, कितने टीवी देखनी है, कितने मोबाइल देखनी है, कितना खेलना है, कितना समय, सुबह कब उठना है मुझे। एक और वो 95 दिखाएगा आपको, क्योंकि बार बार दिखेगा ना, ये 95 मुझे लाना है। तो आप क्या करेंगे, अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, समय को बर्बाद मत करो। अच्छा एक चीज पूछूं आप लोगों से, समय कहते ना समय का महत्व समझो, समय को उपयोग करो। मैं आज परिभाषा पूछने वाला हूं, समय किसे कहते हैं, समय की परिभाषा क्या है? शायद हम लोग को बताया नहीं गया है, सही है ना, बताया नहीं गया है। मैं एक चीज बताता हूं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं और आपको बताया नहीं जाता है। समय में कितने बच्चों को ही बताया हूं, एक कॉपी ले लेना, यहां लिख लेना समय, टाइम जो भी लिखना है समय, उसके बाद में इक्वल का चिन्ह दे देना, इक्वल का, फिर उसके बाद लिख लेना आगे जिंदगी। फिर से ख्याल करिए, समय इक्वल जिंदगी, समय बराबर जिंदगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप जब जब समय का, जहां जहां आप समय देते हैं, जहां जहां आप समय देते हैं वहां वहां आप अपनी जिंदगी देते हैं। मैं यहां 1 घंटे का समय दिया तो मैंने अपनी जिंदगी भी तो यहां दी। समय यहां 1 घंटा दिया, मेरी जिंदगी कहीं अलग है क्या? सही है ना, जहां जहां मैं समय दिया वहां वहां मैंने अपनी जिंदगी दी। अब इसका अर्थ होता है जब जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, जिंदगी का सही उपयोग करते हैं, और जब जब हम समय को बर्बाद करते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। क्या आप जो समय स्पेंड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, क्या आप अपने लक्ष्य की ओर लगा रहे हैं? या तो आप खेलकूद में लगा करके अपने शारीरिक फिटनेस बनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके खेल रहे हैं, या फिर आप घर के काम में समय दे रहे हैं, माता पिता के सहयोग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, या फिर अपनी पढ़ाई में आप कहाँ लगा रहे हैं समय को? जहाँ आप समय देते हैं वहीं से आपका भविष्य आता है, ये सूत्र याद रखिए, जहाँ आप समय देंगे वहीं से आपका भविष्य आएगा। यदि आप मोबाइल में बहुत समय देंगे, आजकल है ना मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत, आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को, मोबाइल अभी आप लोग को सच कहूँ जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यदि देखना ये तो टाइम कर लो निश्चित रूप से। ऐसा न हो कि आप मोबाइल में इतना समय व्यतीत कर दें कि आप अपना होमवर्क नहीं कर पाएं, अपनी पढ़ाई ना कर पाएं, अपनी एकाग्रता भंग कर दें, ये नहीं चलने वाला है। फिर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और साथ साथ में जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उन कामों में एक्सपर्ट हो जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं, जिस काम की शुरुआत होनी ही नहीं चाहिए थी जीवन में, उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। क्या करना है, वह काम में करना शुरू कर दो जो सचमुच जीवन में चाहते हो। तो मैंने कहा ना 95, तो आप क्या करना है, आपको उसमें ध्यान रखना है, मुझे यह पाना है। लक्ष्य के बिना आप नहीं पहुंचेंगे, और लक्ष्य में आपको हमेशा लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि जब कौरव और पांडव की परीक्षा द्रोणाचार्य ले रहे थे तो एक पक्षी को वहाँ बैठा दिया गया था, नकली पक्षी रही, और कहा गया तीर चलाना है, उस पक्षी के आँख को तीर से भेदना है। लोगों से अन्य से पूछा गया क्या कहते थे, सब दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं, डालियाँ दिख रही, पत्तियाँ दिख रही, पक्षी भी दिख रहा है। अर्जुन ने क्या कहा, आग दिख रही है, और सचमुच निशाना किसका लगेगा, जो अपने लक्ष्य को, उस लक्ष्य को नहीं भेद सकते जिसे आप नहीं देख रहे हैं। आपको अभी से दिखाई देना चाहिए, मान लो आप चाहते हैं मैं बड़ा अफसर बनूं, आपको क्या करना है, वो बड़ी कुर्सी दिखनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, वही सपना देखो, मुझे उस कुर्सी पर जाना है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है, तब आप देखेंगे नहीं मुझे कौन सा भोजन करना चाहिए, कितना समय बाहर जाना चाहिए, कितना खेलना है, कितने गपबाजी करनी है मित्रों के साथ में, नहीं ये नहीं करना क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। और जिसको बस चपरासी बनना है तो चपरासी वाला काम करो, सही है ना, वो काम करना पड़ेगा फिर, लेकिन अफसर बनना है तो वही दिखना चाहिए आपको। एक चीज़ बताऊँ आप, एक छोटी सी बात पूछूँ, सफलता किसे कहते हैं? अच्छा सफल होना सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, अच्छा सफलता की परिभाषा क्या है?
अच्छा नहीं जानते, क्यों नहीं जानते बताऊं, सफल तो सभी होना चाहते, इसलिए कि पढ़ाया नहीं गया है, सही है ना। सफलता की परिभाषा नहीं पता है, और होना क्या चाहते हैं, सफल, सच है ना। अच्छा आप एक ऐसा गांव जाना चाहते हैं जिसके बारे में नहीं जानते, पहुंचेंगे वहां, जैसे ये है आप साजा, अब मुझे ये पता तो होना चाहिए भारत में है कि जापान में है, चीन में है कि मलेशिया में है, सही है ना। उसके बाद मैं जानूँ कि अच्छा अच्छा भारत में है तो कौन सी स्टेट में है, फिर कौन से जिला में है, तभी तो मैं पहुँच पाऊँगा साजा। और आप क्या कर रहे हैं, हम सफल होना चाहती हैं लेकिन सफलता क्या नहीं जानते हैं, क्या होगा, नहीं पहुँच सकते। सफलता बड़ा सरल है इसको समझना, वो क्या है, जो आप जीवन में चाहते हैं, पहले कोई टारगेट सेट करते हैं और जब उसे आप अचीव कर लेते हैं, पा जाते हैं, यही तो सफलता है। जैसे मैंने कहा ना अभी 95% आपने तय किया और आप सचमुच 95 पा गए तो क्या हो जाएगा, आप सफल हो गए, सही है ना, सफल हो गए। आपने सोचा कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बन गए, यही तो सफलता है, यही तो सफलता है, जो आप चाहे वो आप पा गए, तभी तो सफल होंगे आप। लेकिन यह सफलता मिलती कैसे है, यह सफलता मिलती कैसे, इस चीज को समझें आप। आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे हार्ड वर्क, कहेंगे ना, कड़ी मेहनत, बताया भी जाता है कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, लेकिन केवल कड़ी मेहनत करने से लोग सफल हो जाते ना, तो जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते हैं ना वे सफल हो जाते, और जो हार्ड वर्क करते हैं ना, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, जो दिन भर मिट्टी खोदते हैं, ये काम करते हैं, बोझ उठाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्या आप उनको सफल मानते हैं। तो केवल हार्ड वर्क तो सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आज एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, हार्ड वर्क के साथ साथ और क्या चाहिए, हार्ड वर्क के साथ आपको चाहिए स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क, याद कर लो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क। क्या है ये शार्प वर्क का मतलब क्या होता है, शार्प का मतलब होता है तेज करना, धार करना, होता है ना शार्प का मतलब धार करना। जैसे वो कहानी आती है कि एक मजदूर काम के लिए कहीं जा रहा था, तो एक लकड़ी की कंपनी वाले ने उसको देखा, कहा काम करोगे, हाँ हाँ काम करने के लिए ना आया ही हूँ, तो कहा ठीक है जंगल है काटनी है, तो गए उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, तो कुल्हाड़ी मिल गई, कुल्हाड़ी लेकर वो काटने लगा, बहुत लग एक दिन में इतनी मेहनत की, 7 पेड़ काट डाले और उसके हिसाब से तनख्वाह मिली उसको। और फिर अगले दिन उसने फिर मेहनत की, अगले दिन केवल 6 पेड़ काटा, फिर उसने 5 पेड़ काटा, ऐसे ही उसका घटता चला गया। एक दूसरा आदमी आया, वो तो रोज 7 पेड़ काटता था, तनख्वाह बढ़ती चली गई उसकी, और ज़्यादा करने लग गया। उसने कहा मेरे से पीछे आए हैं उनको आप पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, मुझे कम देते, कितनी मेहनत करता हूँ मैं। कहा कुछ तो कारण है, जरा पूछो क्या बात है। अच्छा देखो कई बार देखता हूँ काटते हुए बैठा भी रहता है चुपचाप, वो विश्राम करता है, मैं तो हमेशा करते रहता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। तो उससे जा करके पूछो, गया, भैया ये बताओ तुम कई बार तो बैठे रहते फिर भी मेरे से ज़्यादा पेड़ काटते हो, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कम काटता हूँ। उसने कहा ये बताओ जब मैं बैठे रहता हूँ क्या करता हूँ पता है, उस समय अपनी कुल्हाड़ी में मैं धार लगाता हूँ। अच्छा तुम बताओ तुम धार लगाए हो कभी अपनी कुल्हाड़ी में, नहीं कभी नहीं लगाए हो, शुरू से काट रहा हूँ। पैनापन, शार्प करो कुल्हाड़ी पर, वही ज़्यादा पेड़ काट पाएगा। आपको तो कुल्हाड़ी का काम नहीं है, कुल्हाड़ी का मतलब है औजार, समझ रहे हैं, औजार। आपका औजार क्या है, किसी भी काम को करने का औजार क्या है, किसी भी काम को करने के लिए औजार क्या है, दो, एक तो आपका तन और दूसरा है आपका मन, दो ही चीज तो है ना, तन और मन से ही तो काम को कर। अच्छा पढ़ाई करेंगे, आप कहेंगे मेरा मन चला जाएगा और शरीर वहां रहेगा, अच्छा फिर आप कहेंगे नहीं मेरा शरीर विद्यालय में और मन कहीं और रहे, पढ़ पाएंगे, जहां जाएंगे दोनों साथ चलेंगे, तन और मन यही औजार है आपके, उसको सार्प करना है, धार करना है। हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए, साथ साथ इसको ध्यान दीजिए, क्या सार्प करना है, शरीर को धार करने का मतलब शरीर को स्वस्थ रखना है, ऐसा कुछ उपाय करें कि शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा,
वह काम अच्छा होगा। ख्याल करिए, एक आदमी बीमार है और मन भी उलझा हुआ है, वो कहीं भी जाएगा कैसा रिजल्ट लाएगा? अच्छा दुकान में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट लाएगा, अच्छा विद्यालय में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। एक तो शरीर भी बीमार है और मन भी उलझा हुआ है, नहीं ला सकता। अच्छा रिजल्ट कौन ला सकता है? जो शरीर से स्वस्थ है और मन से प्रसन्न है। प्रसन्न होकर के कोई काम करो। जिस दिन विद्यालय में आओ और आपका मन बहुत प्रसन्न है, आपकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। और जिस दिन उलझे हुए हो, अपने मित्र से लड़ाई हो गई, घर वालों से लड़ाई हो गई, तो बार बार मन लड़ाई में जाती है ना, पढ़ाई में नहीं लगती है। तो क्या करना है? दो चीज़ों पर ध्यान रखिए। शरीर भोजन ऐसा डालो अपने अंदर जिससे आपका स्वास्थ्य खराब न हो। और खराब करने वाली चीज़ें क्या है, मैं निवेदन किया करता हूँ, जो पैकेट वाला सामान आता है ना, पैकेट वाला कंपनी वाला, इसको तो खाना ही बंद कर दो, पैकेट में ही बंद रख दो। चाहे आप लोग क्या कहते हैं, कुरकुरे मुरमुरे नमकीन, क्या आता है ना कंपनी वाले, उनको केवल पैसा चाहिए, आपका स्वास्थ्य सुंदर रहे कभी नहीं। मुझे वहाँ जो काम करने वाले इंजीनियर ने बताया, ऐसे ऐसे केमिकल छोड़ते हैं और इतनी पुरानी पुरानी चीज़ों को डाल देते हैं, तेल जलता रहता है, काला काला होता है, फिर भी उसमें छान करके निकालते रहते हैं, और इतने केमिकल्स, जब वो गुब्बारा शरीर के फूला होता है ना, अंदर में सामान कम होता है उसमें, जानते हैं, केवल उसमें नमी ना हो जाए इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भी डाल देते हैं। एक इंजीनियर ट्रेन में मिलकर बता रहे थे मुझे, क्योंकि हम लोग तो सब चीज़ खाते ही नहीं है, ये बिस्कुट हो जो हो, और कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर पीते हैं ना, झन्नाटादार क्या कहते हैं उसको थम्स अप कोका कोला, उसको तो कहते हैं वो टॉयलेट क्लीनर है, धो के देख लेना, कभी मत पीना उसको, कभी मत पीना। ये पैकेट वाला सामान से बचाओ अपने को, बहुत नुकसान करने वाले। और जो होटल में जा करके वो चाटते रहते ना, चाट कहते हैं घर का बना भोजन करो, समझ गए, घर का बना भोजन करो। होटल में कोई साफ सफाई नहीं होती। अभी तो मैं गया था वहाँ, कौन से गांव था वो, मुंगेली क्या, नहीं कुकदुर जिसके होटल में गए थे, दिखाए पीछे होटल में बना रहे थे कारीगर, मैं क्या बताऊँ, आप पैर रख दोगे तो पैर को बिना साबुन से धोए आपको लगेगा नहीं कि तो इसको ठीक है कह करके, किसी चीज़ को छू लेंगे तो हाथ में ऐसा लग जाएगा। और वो सब बाहर जा करके फ्रेम बिल्कुल शीशा में पैक ऐसे बंद करके सामान रख दिया गया, लेकिन बंद कैसे करके आया है आप देख रहे हैं। घर में साफ सफाई से बना कर खाओ, ये पैकेट वाला सामान, ये होटल में खाने की आदत मत डालो, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और केवल मोबाइल में गेम ना खेलो, समझ रहे हैं ना, उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। आपको खेलना है, एक्सरसाइज करना, ना बाहर जा सको, घर में ही। पहले रस्सी कूद होती थी ना आप लोगों की, वही करो, कुछ तो करो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। यदि आप बीमार हो जाएंगे तो पढ़ाई सही हो पाएगी, और मन कहीं नाराज हो गया तो फिर ये शरीर के लो, दूसरा है मन को भी आपको शार्प करना है। कैसे करेंगे? इसके लिए भी आपको अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, अच्छे विचार सुनना, और साथ साथ में कुछ ध्यान किया करो, एकाग्रता कंसंट्रेशन करते हैं। एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर क्या करना है, शांत मन वाला बनो। वो कैसे होगा? अच्छा कुछ भी नहीं आता तो मैं सरल तरीका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ऊंचाई वाली बात तो अभी नहीं समझ में आएगी। ऐसे चुपचाप बैठो और जो सांस आती और जाती है ना, सांस को देखो, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है। क्यों कह रहा हूँ? हमारा मन हमेशा या तो पास्ट में या फ्यूचर में यही भटकता है, पुरानी बातों को याद करने लगता है, भविष्य की कल्पना करने लगता है, और हमें तो ही पढ़ाई वर्तमान में करनी है, अभी तो जीना अभी है, अभी टीचर पढ़ा रहे हैं, मुझे तो अभी यहाँ पर रहना है, तो अभी वापस आ जाए। तो सांस आप कब ले रहे हैं? सांस आप कब ले रही हैं? अभी ले रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कि मैंने कभी सांस लिया था, कभी सांस लूंगा, ऐसा तो नहीं है, अभी ले रहे हैं। तो श्वास के साथ अपने मन को जोड़ देने का मतलब है आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस लौट आते हैं। इसलिए क्या करना है, श्वास पर ध्यान लगाओ, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको समय मिल सके, और वो जो एकाग्रता सधेगी, अब उसके बाद में पढ़ाई शुरू करो। चूंकि आपका मन बिखरा हुआ है चारों तरफ, उसको ला करके वापस अपने पास लाए, और ला करके फिर आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो वो जो विषय है ना, वो ग्रहण होगा, वो ग्रहण होगा। तो ये ध्यान रखो। तो मैंने क्या कहा,
हार्ड वर्क के साथ साथ क्या क्या कहा? शार्प वर्क। अभी क्या चल रहा है? शार्प वर्क। किसको धार करना है? शरीर को। शरीर को धार करने का मतलब इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए सही भोजन शरीर में डालो, सही भोजन डालो। देखो एक चीज बताऊं, एक थाली है, एक थाली में भोजन रखा है। अब भोजन में कुछ भी दाल सब्जी रोटी कुछ भी आप रखे हैं, भात इत्यादि या फल फूल जो भी रखे हैं, पहले क्या करें, वो भोजन है, समझ रहे ना। उस भोजन को आप शरीर में डाल दिए पेट में, अब भोजन नहीं, वो शरीर बन गया। यदि वो गलत है तो शरीर गलत बनेगा, यदि वो सही है तो शरीर सही बनेगा। तो क्या करना है, सही चीज़ डालो हमेशा, सही चीज़ जो आपको सही स्वास्थ्य प्रदान करे, डाइजेस्ट हो सके। गलत चीज़ मत खाओ, ये मैदा और चीनी जो सफ़ेद जितने रिफाइंड चीज़ें उससे बचो अपने लाओ आप लोग। दूसरी बात है मन, मन को प्रसन्न रखने के लिए आप लड़ाई झगड़ा बहुत करने उलझेंगे, टीवी बहुत देखेंगे, मन बार बार आएगा, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वो बार बार मन में आएगा। इसलिए गलत चीज़ों को मत डालो मन में, ये ध्यान रखो। सोते समय मोबाइल बिल्कुल अलग, सोते समय टीवी मत देखना, सोने के एक घंटा पहले टीवी देख के बंद कर दो, रात में होमवर्क करते हुए पूरा करो, सुबह अपनी पढ़ाई करो, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो। क्या कह रहा हूँ मैं, रात में जो यदि आप टीवी में गलत दृश्य देखे, मोबाइल में गलत दृश्य देखे और सुने, वो कहाँ गया? भीतर चला गया, भीतर चला गया। जैसे भोजन को पेट डाइजेस्ट करता है, वैसे ही जो विचार आपने डाला देखकर सुनकर, उसको आपका मन डाइजेस्ट करता है और उसका रस बनता है। और वो यदि सही है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो आपके मन को खराब कर देता है। इसलिए आप सफल तभी हो सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो और आपका मन सही दिशा में हो। दूसरी तीसरी बात मैंने क्या कही, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? स्मार्ट वर्क का मतलब है सही दिशा में सही रीति से। क्या कहा? सही दिशा में सही रीति से, दिशा भी सही हो और आपका करने का तरीका भी सही हो, दिशा। अच्छा एक प्रश्न करूं छोटा सा, आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, कैसे जानते हैं आप सही दिशा में जा रही हैं या सही दिशा में नहीं जा रही, कैसे जानेंगे? आप कहेंगे मैं सही दिशा में जा रही हूं, मैं कहता नहीं, आप सिद्ध करके बताओ। कैसे सिद्ध करोगे? नहीं कर सकते। अच्छा सिद्ध कब कर पाएंगे? आपका कोई गोल होगा, जैसे आपको यहां से रायपुर जाना है और रायपुर की ओर चल रहे हों तब कहेंगे सही दिशा है, और रायपुर की विपरीत जा रहा हूं तब गलत है। आपने अपना लक्ष्य तय किया जीवन का, पढ़ाई का, और उस दिशा में आप जा रहे हैं, अच्छा सही तरीके से जा रहे हैं। आपका तरीका क्या है? उस विषय को पढ़ना, ऐसे मित्रों के साथ रहना, समझ रही है? इसलिए मित्र भी ऐसे बनाओ जो आपके विषयों के जानकार हो, आपके विषयों का जानकार हो, वही आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसी पुस्तकों को पढ़ें, ऐसे मित्रों के साथ रहें, तब क्या होगा, उस दिशा में जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कही आप लोगों को, कि सफल होना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और शार्प वर्क भी करना है। ये करेंगे तीनों का जब कॉम्बिनेशन पैकेज होगा तो आप सफल हो जाएंगे। और मैंने कहा था ना, अच्छी आदत का निर्माण करो, वो अच्छी आदत जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ, सुबह जल्दी उठ करके चाहे पढ़ाई करो, चाहे ध्यान करो, घर का काम करो, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दो। अपना काम खुद करने की आदत डालो, जैसे जिस बिस्तर पर सोए हैं साफ, जिस कमरे में रहते हैं साफ, जो कपड़ा पहनते हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी धोएगी मशीन में धोएंगे, नहीं, खुद पर ये ध्यान रखो। घर की सफाई आपको, कम से कम अपने कक्ष की सफाई, अपने कपड़े की सफाई, अपने बिस्तर की सफाई, अपने सामानों की सफाई खुद को करना है। आप अपने पर खुद डिपेंड हो, ये ध्यान रखो। और हो सके तो अपना भोजन बनाना भी सीख जाओ, भोजन बनाना भी सीख जाओ अभी से, ये बहुत जरूरी है। ये भारतीय परंपरा की कुछ मेंटेलिटी ऐसी है कि दोनों पति और पत्नी नौकरी करेंगे और समान रूप से मेहनत करके घर लौटेंगे, लेकिन भोजन कौन बनाएगा, समझ गए ना?
वो अपना क्या करेगा, टीवी देखेगा, मुझ में ताव मारेगा। क्यों भाई, दोनों मेहनत करके आए हैं, आपको भोजन बनाने में सहयोग नहीं करना चाहिए? वो नहीं करने वाला, ये सिस्टम ही ऐसा है। इसलिए क्या करना है, अभी से सीख लो, अभी से सीख लो इस चीज को। तो घर के छोटे मोटे काम में सहयोग करो, छोटे सहयोग करो। और मैंने जो कहा था ना, सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, मीठे शब्द, ये आपको बताता हूँ अभी नहीं, जब आगे जाओगे ना, अगले दूसरी जगह, इस घर से कहीं अलग जाओगे ना जहाँ रहने के लिए, वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। कहीं आप में कटु बोलने की आदत है, जवाब देने की आदत है, अधैर्य और असहनशीलता है, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन सद्गुणों का समुच्चय जीवन में है, अच्छी आदत है, तो क्या होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। घर के काम में सहयोग करो, नहीं करोगे कोई पसंद नहीं करेंगे। सुंदरता को पसंद बहुत कम समय के लिए करते हैं। शरीर की सुंदरता कुछ समय तक अच्छी लगती है, लेकिन मन की सुंदरता सदा ठीक अच्छी लगती है। इसलिए शरीर को भी सुंदर रखो, साफ रखो, लेकिन मन को सुंदर बनाना इससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो तो शायद ये जीने का ढंग होगा। मैंने कहा था कि आपको रोजी रोटी कमाने की शिक्षा चाहिए और दूसरा जीने का ढंग। यदि ये दोनों चीज़ें हमारी पैरेलल चलती हैं तो हमारा जीवन सफल होगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ और धन्यवाद। जो सचमुच ये प्रतिकूल परिस्थिति, आप लोगों को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद है जो इतनी धूप में तपस्या करके बैठी हो। और मैं कोई ऐसी किस्सा कहानी भी नहीं कह रहा हूँ, वो और न पढ़ाई की बात है, बस आपको कुछ चीज़ चाहिए जो जीवन में, शायद इस अपेक्षा से मुझे बुलाए गए हों, तो वो चीज़ें मैंने कुछ आप लोगों के सामने शेयर की। और कुछ भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो वो आप लोग ग्रहण कर लेंगे और इसे जीवन में अप्लाई करेंगे, समझ लीजिए। किसी को, गलत लोगों को मित्र मत बनाना, भी इसमें फिर से निवेदन कर रहा हूँ। कई बार होता है ना, लड़के लड़की का मित्र, लड़की लड़के का मित्र, गलत नहीं, इसलिए कि कुछ नॉलेज ग्रहण करने के लिए। लेकिन कोई टॉक्सिक हो, विकारी हो, वही नुकसान करेगा। आप लक्ष्य लगाओ और ये चीज़ कर लोगे तो अपने आप होने वाला है। जब आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे तो सारी चीजें गिफ्ट में मिलने वाली हैं। चलते चलते एक सूत्र, अभी मेहनत करोगे ठीक से जीवन भर आराम करोगे, और अभी आराम करोगे जीवन भर मेहनत करोगे। कौन सा वाला पसंद है, अभी मेहनत करना है कि नहीं है? अभी मेहनत कर लो जीवन भर, क्योंकि आप ऐसे पोस्ट पर पहुंच गए आराम से, बस आ रहा है, आ रहा है, जीवन भर आराम करोगे। और अभी कहीं आप आराम करने लगे तो आप 70 साल और 75 साल के तो भी घसीटते रहेंगे, होता है कि नहीं होता है, घसीटते रहते हैं, क्योंकि उसकी भोजन पानी की व्यवस्था ही नहीं कर पाया वो। आपको क्या करना है, अभी मेहनत करनी, पूरा पूरा काम कर लो, 100% दो। आपके भाग्य में आपकी शिक्षा नहीं लिखी है, आपके भाग्य में धन नहीं लिखा है, आप अपना पुरुषार्थ करो, मेहनत करो और उसे पा जाओ। आपका भविष्य आपके हाथ, हमेशा ध्यान रखो, आपका भविष्य आपके हाथ। ये अब्दुल कलाम की पुस्तकें पढ़ लेना, APJ अब्दुल कलाम की, आपका भविष्य आपके हाथ। टेरिसा चिंग आयरलैंड की लेखिका है, उनकी पुस्तक है आपकी किस्मत आपके हाथ। कृष्ण चोपड़ा की कृष्ण पुस्तक है आपका जीवन आपके हाथ। ये तो कुछ पुस्तक हो, आप खुद पढ़ना नहीं, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ये आप अपने भविष्य के निर्माता हैं, जैसा चाहेंगे वैसा बन सकते हैं आप। अच्छा या बुरा, आपको अच्छे की ओर जाना है, सही जीवन निर्माण करो। और मैंने कहा ना, आपके पास मन है, अच्छा सोचो, आपके पास शब्द है, अच्छा बोलो, आपके पास काम करने के लिए इंद्रियां हैं, अच्छा करो। अच्छा का मतलब लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, जो सोचो लक्ष्य के लिए, जो बोलो लक्ष्य के लिए, जो काम करो लक्ष्य के लिए, समझ गए? तो क्या होगा, आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपको लक्ष्य तक, लक्ष्य को आप सफलता के पास चल के जाते हैं, सफलता आपके पास नहीं आती है, सफलता के पास आप चल के। और इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो है अनुशासन, आत्मानुशासन। अनुशासन के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। पहले एक सूत्र पढ़ते थे, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जो अनुशासन देश को महान बना सकता है, आपको और हमको भी बना सकता है। हमें अपने जीवन को अनुशासित रखना है तो जीवन सफल होगा।
साहेब अभी एक घंटा तक हम सब ज्ञान चर्चा में निमग्न रहे। निश्चित रूप से आदरणीय गुरुदेव जी का जो आशीर्वचन है वो हम सबके जीवन में काम आने वाले वचन थे। उनके वचन की सार्थकता तभी होगी जब हम उन शब्दों को उन विचारों को अपने जीवन में अपनाने का कार्य करेंगे। यदि उन रास्तों पर यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन को हम सफल बना पाएंगे। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, हमारे विद्यालय को एक घंटे का अपना समय प्रदान किया। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भजन साहेब वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आविया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आविया मैं वारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे सतगुरु दर्शन दिन्हा मारा भाग उदय कर दिन्हा हो सतगुरु दर्शन दिन्हा मारा भाग उदय कर दिन्हा मारा करम भरम सब सीरा मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आविया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आविया मैं वारी जाऊं रे। साहिब बंदगी साहिब भारत माता की जय।